अभी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, रुक करते वहीं का। 5,000 माफ कीजिएगा 4,724 जनसभाएं अभी तक आयोजित की गई हैं गांव में और वार्ड में, और कुल मिलाकर जहां पर हरियाणा के लोगों ने हमारे साथ मिलकर के बिजली के बिलों को जलाया इस संदर्भ में कि हरियाणा भी बहुत जल्द इस गुलामी से आजाद हो जाएगा, ऐसी 4,454 यानी 4,454 जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों ने हमारे साथ मिलकर के बिजली के बिलों को जलाया है। अगर हम लोकसभा वाइज रिपोर्ट देखें तो 10 लोकसभाओं में से अंबाला लोकसभा में सबसे ज्यादा जगहों पर, सबसे ज्यादा यूनिट्स में ये कैंपेन चलाया गया, 1,062 यूनिट्स में। अगर डोर टू डोर कैंपेन के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किए गए हैं, सबसे ज्यादा गांव के अंदर। ये अलग अलग जो नंबर्स हैं ये मैंने आपके साथ साझा किए, और चूंकि इन सारे गांव के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमने भी जाकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, लोगों से चर्चा की, हर जगह पर यही चर्चा लोगों की जुबान पर है कि अगर हरियाणा के एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ पंजाब, और दोनों राज्यों के अंदर अगर वहां के लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है तो फिर हरियाणा के लोगों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि गरीब लोग भी हजारों रुपए का बिजली का बिल भरें, और उनको क्यों त्रस्त और परेशान किया जा रहा है। ये सवाल लोगों के जहन में घर करता जा रहा है, और लोग बिजली की इस गुलामी से आजाद होने के लिए तैयार हैं, झाड़ू के निशान को अपनाने के लिए 2024 में तैयार हैं। इसी तरह के आंदोलन आने वाले समय में भी लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, उनको विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करेंगे और उनसे 2024 में बदलाव के लिए समर्थन मांगेंगे। मैं हरभजन जी से ये कहूंगा कि वो ब्रीफ में पॉइंट्स के माध्यम से ये बता दें कि कैसे पंजाब के लोगों को क्या वो सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं, जो आने वाले समय में हरियाणा के लोगों को भी मिलेंगी। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे ही आए हो। मैं वेलकम करता हूँ हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अनुराग डांडा जी, जो हरियाणा से हैं। इन्होंने बताया कि कैसे ये बिजली आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, 86 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बिजली आंदोलन की बात पहुंच चुकी है, और जो 4 रिमेनिंग है उसमें भी जल्दी से ये उसको भी कवर कर लेंगे। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जब पंजाब में हम कंपेन करते थे तो हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने एक गारंटी दी थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के उपरांत हम सभी घरेलू कनेक्शंस को, सभी घरेलू कंज्यूमर्स को हम 600 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे बाय मंथली। सो हमने ये जो गारंटी दी थी, ये हमने पहली बात तो सरकार आने के सिर्फ 3 महीने में हमने पूरी कर दी। पंजाब में मार्च में सरकार बनी थी, मार्च 22 में, और हमने 1 जुलाई 2022 से हमने 600 यूनिट बिजली फ्री देने का अपना वादा जो था वो पूरा कर दिया। और इसमें ऐसा बदलाव आया कि पंजाब के 90% जो डोमेस्टिक कंज्यूमर थे उनका बिजली का बिल 0 आने लगा। अब हमारे यहाँ पर 90% जो हाउस होल्ड हैं उनका बिजली का बिल एब्सोल्यूट 0 आ रहा है। तो लोग ये हमें पूछते थे तब भी कि ये आप कैसे कर पाओगे, जो हमारे ऑपोजिशन में थे वो बोलते थे ये नहीं हो सकता, 600 यूनिट बिजली ये दे नहीं पाएंगे। तो हमने वो गारंटी पूरी की, और अब पंजाब के लोग बहुत खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि बिजली जो है ना ये अब बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। तो बिजली घर में है तो घर में रोशनी है, बिजली घर में है तो हवा आएगी, बिजली घर में है तो पानी आएगा। सो ये बहुत जरूरी अब बन गया है कि जो बिजली की सप्लाई है, जो बिजली है वो सभी घरों तक पहुंचे और लोग इससे परेशान ना हों। पंजाब में बहुत लोगों के बड़े बड़े बिल आते थे, हम जब भी जाते थे तो हम भी बिल जलाते थे, किसी का 1 लाख बिल, किसी का 2 लाख बिल, किसी का 70,000 बिल। जब हम देखते थे उनके घरों में फैसिलिटी क्या थी,
एक वो ट्यूबलाइट थी, एक पंखा था, तो उसमें मिलता क्या था, एक किलो वाट दो किलो वाट का कनेक्शन होता था, तो बिल इतने ज़्यादा आते थे, तो लोग बहुत परेशान थे। तो हमने पहले तो ये 31 दिसंबर तक के बिल थे ना, वो हमने घरेलू कनेक्शन के माफ़ कर दिए। तब हमने जो 600 यूनिट का वादा था वो बहुत इमीडिएटली पूरा कर दिया। अब पंजाब में हम एक मंथ में 300 यूनिट बिजली जो है वो हर घर को फ्री दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने कोई जो लिमिट है वो नहीं लगाई, हमने किसी ये कम्युनिटी के कम्युनिटी पे कोई लिमिट नहीं है, कोई कास्ट इशू नहीं है, कोई रिलीजन पे नहीं है, कोई रोड की लिमिट नहीं है कि किसी का एक किलो वाट दो लो पाँच किलो वाट हो, तब चाहे भले ही 500 का क्यों ना हो, हम बिल्कुल उसमें कोई